झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी को लगाया जोरदार फटकार। क्यों लगाया और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आप लोगों को बहुत ही जानना जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को देखिए पूरा। इसी वीडियो में पूरा जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा और क्यों कहा। वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल पर, मैं हूं सरफुल शेख और आप लोग देख रहे हैं AHMJ न्यूज। तो किसान जो है लगभग एक डेढ़ साल से ही आंदोलन कर रहा है तीन कृषि कानून के विरुद्ध में, या कह तीन काला कानून के विरुद्ध में है, और बहुत ही किसानों की मौत भी हुआ है। उसके बाद फाइनली अब जो है केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि ये तीन कृषि कानून या काला कानून जो है इसको वापस ले लेंगे। उसके बाद ही झारखंड का सीएम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात कहा है, क्या कुछ कहा है वो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को देखिए क्या कुछ कहा है श्री हेमंत सोरेन जी, आप लोग वो वीडियो देखिए। आज सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ, और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी। हम मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे, और उनके ऊपर जो FIR हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको अविलंब वापस ले, और इस आंदोलन में सड़कों पर इतने वक्त तक किसान जो सड़कों पर थे जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सड़क पर थे, उन सभी किसानों के, देश के जितने भी किसान थे सड़कों पर, उन सभी किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 लाख रुपए अविलंब कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से क्या कुछ कहा उन्होंने, पूरा आप लोगों को मैं जानकारी देने की कोशिश किया। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी झारखंड से जुड़ी जानकारी खास करके आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नया जानकारी खबर लेकर।